हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे गोदरेज की मशीन के बारे में ड्रेन प्रॉब्लम। देखिए दोस्तों, ड्रेन प्रॉब्लम जो है इसका हम सोल्यूशन हम आपको पूरा बताएंगे। ये जो बटन है इससे अपन पीछे को ड्रेन करते हैं, और ड्रेन करते हैं तो ये रबड़ ऊपर की तरफ खींच जाती है ये ऐसे। अभी देखिएगा जिसका हम आपको पूरा सोल्यूशन बताएंगे कि आपकी ड्रेन प्रॉब्लम यदि पानी रेगुलर बह रहा है या फिर पानी चौक हो गया है तो उसका क्या सोल्यूशन है। तो दोस्तों आपको ये जो नीचे को दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसमें चार लॉक होते हैं, चारों को अंदर की तरफ पुश करना है, अंदर की तरफ दबा के इसको ऊपर उठा लेना है, आपका ढक्कन खुल जाएगा गाइज। अभी हम आपको पूरा बताएंगे। ये देखिए हमने खोल लिया है इसको, और इस हमने इसमें एक रबड़ भी डाल दिया है ये वाला, इस रबड़ को हमने चेंज कर लिया है, और इसमें स्प्रिंग का नया होना ज़रूरी है, नई स्प्रिंग लगानी है नए रबड़ के साथ में, ताकि ये अंदर की तरफ फोर्स बना रहे। ये देखिए ऊपर जो आपको लॉक दिख रहे हैं, इन लॉकों से खुलता है, और ये स्प्रिंग हमने चेंज कर दी है गाइज। स्प्रिंग और रबड़ दोनों ही हमने चेंज कर दिए हैं, और ऊपर से कैप लगा देनी है, जैसे हमने खोली थी वैसे ही हमको कैप को एज इट इज फिट कर देनी है। ये जो है कैप, ये जो है चार छेद, इनमें चारों लोगों को फिट बैठा देना है, ताकि लीकेज नहीं करे और ये अच्छे से काम करे। दोस्तों ये देखिए एक बार, ये जो है लॉक, इनमें हमने को बिल्कुल टाइट तरीके से आएगा, लेकिन आपको फुल फोर्स लगा देना है, ध्यान रहे कि नीचे का प्लास्टिक टूट ना जाए। ये देखिए गाइज लॉक अभी बैठेंगे इधर, एक एक लॉक बैठाना है। ये एक बैठ गया, ये दूसरा बैठ गया, ये इधर का बैठ जाएगा अभी, ये तीसरा बैठ गया, और ये चौथा में थोड़ा दिक्कत है, और ये चौथा भी बैठ गया, और ये देखिए रबड़ अब काम करने लग गया है। जैसे हम बटन को घुमाएंगे ना, ये ऊपर की तरफ खींचेगा रबड़, और ये ड्रेन करना शुरू हो जाएगा। फिर से देख लीजिए दोस्तों, ये मशीन है, इसमें अपन को ये वाला रबड़ चेंज करना है। ये रबड़ को इसमें से निकाल दिया है, और ये पुरानी स्प्रिंग भी हमने निकाल दी है, अब अपन को नया रबड़ और नई स्प्रिंग लगानी है इसमें। इसको ऐसे फिट बैठाएंगे, इसके बाद में इसमें स्प्रिंग डाल के ऊपर से ढक्कन को फिट कर देंगे। ये स्प्रिंग डाल देंगे इसमें, और स्प्रिंग डालने के बाद में इसमें अपन रबड़ ढक्कन लगा देंगे, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, एज इट इज वैसे ही फिट कर देना है। लोगों का ध्यान रहे, ये लोग हैं, इनमें अपना ढक्कन फिट बैठ जाता है, और स्प्रिंग ज़रूर लगाएं, वरना ये फोर्स नहीं करेगी, नीचे की तरफ दबाएगी नहीं, आपको पानी रेगुलर चलता रहेगा। और जैसे ही आप फिट कर लोगे ना इसको, उसके बाद में ऊपर ये जो है आपकी रस्सी, इसमें आपको ऐसे लगा देना है, लॉक होता है देखिए दोस्तों, ये लॉक है, रस्सी के बीच में छेद होता है, इसमें होके फिट बैठाना होता है। ऊपर देख रहे हैं ना, आपको देख लीजिए, ये घुसा दिया, और इसको टाइट कर देनी है, आपको बिल्कुल टाइट रखना है इसको, ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना, वरना लीकेज चालू हो जाएगा आपका। ये देखिए हमने शुरू कर दिया है पूरा प्रोसेस, और ये हमने टाइट भी कर दिया है, ये देखो उठाएंगे तो पानी निकल जाएगा। देखो अभी नली भरी है ना, ये देखो पानी आने लग गया उठाते ही, और पूरी प्रोसेस। आई होप तुम समझ गए होंगे। चैनल को अब सब्सक्राइब